अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम की याद में आज की तारीख में ये महफिल मुनक़िद की जाती है। इस मुनासबत से तमाम मेहमान हजरात और अहले आलमपुर की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी जानिब से और आप सभी हजरात की जानिब से एक सलावात के जरिए से इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में भी और महफिल के शुरू ही में दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह परवरदिगार आलम हजरत के तुफैल में इंशाल्लाह हम सबको सलामत रखे और उनके जहूर में ताजील फरमाए, हम सबको उनके नासिरों में शुमार करमाए। अजीजाने गिरानी, इत्तेहाद के अलमबरदार आफ्ताब शरीयत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद कलबे जवाद नकवी साहब क़िबला इमाम जुमा आसी मस्जिद लखनऊ तशरीफ ला चुके हैं और चंद लम्हों में आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और आपकी तकरीर से इस महफिल का बाकायदा आगाज हो रहा है। जैसा कि बार बार कहा जा चुका है, जिम्मेदार हजरात से कि जितनी जल्द मुमकिन हो मौलाना साहब को अपने हमराह लेकर स्टेज पर तशरीफ लाएं ताकि महफिल में ताखीर न हो। जब तक मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं एक शेर आप हजरात की खिदमत में पेश करते हैं, सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहि सलाम पर। नूर दुनिया में सब अली का है, हम अपना सारा काम रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले हकीकी और बरहक जानशीन हजरत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से आगाज करते हैं। लिहाजा एक शेर आप ही के हवाले से याद आया और आप हजरात की खिदमत से पेश करते हैं, समाज फरमाएं बस एक शेर और उसके बाद मौलाना आप हजरात की खिदमत में हाजिर हैं। एक बार आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वसल्लम। नूर दुनिया में सब अली का है, नूर दुनिया में सब अली का है, फैसला अब ये रोशनी का है, फैसला अब ये रोशनी का है, नूर दुनिया में सब अली का है। नारे सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर हमने मुफ्ती की बहरहाल हमारा ये दस्तूर रहा है हमेशा से कि जो बात फर्श महफिल की और फर्श अज़ा की होती है वो कुर्सी की नहीं हुआ करती है। सबसे पहला मर्तबा जो है वो फर्श का आता है और बाद में जब जगह ना हो तब कुर्सी का आता है। लिहाजा जिन हजरात के लिए कोई मुश्किल ना हो, जिन हजरात के लिए मुश्किल है तो बहरहाल वो कुर्सी तक पे तशरीफ रखें और जिन हजरात के लिए बिलखसूस नौजवानों के लिए अगर कोई मुश्किल नहीं है तो फर्श महफिल पे तशरीफ लाएं। चूँकि मौलाना साहब इतनी दूर से तशरीफ ला रहे हैं तो उनको बार बार ये ऐलान ना करना पड़े, आप हजरात पहले से यहाँ पर तशरीफ लाएँ ताकि वो भी देखें कि वाकई फर्श महफिल भरा हुआ है और उनके इस्तकबाल के लिए ज़रूरी है कि जो यहाँ पर खला है उसे पूर किया जाए।